क्या कहते हैं सर इस यूनिवर्सिटी में? देखिए, आज हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विकेंद्रीकरण संविधान के हिसाब से नहीं हुआ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट के बाद, जब आप आर्टिकल 32 के बाद पढ़ेंगे तो 36, 37, 82, 52, 42 तक, उसके अंदर आप पाएंगे कि सरकार को एक डायरेक्शन दी गई है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए संविधान एक डायरेक्शन देता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या देश के जो जितने प्रकार के भी रिसोर्सेज हैं उसका जो विकेंद्रीकरण जनता में समान रूप से होना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ ही लोग सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं। और तो और आज तो हालात ऐसे हो गए कि आप वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा करें तो फिर वो आप जब आपको ज़रूरत है उसको वापस लें तो शायद वो वापस ना मिल पाए। ऐसे हालात में जहां मतलब चंद लोग पूरे देश के सभी संसाधनों पे काबिज हैं और सरकार की पॉलिसी भी आम जनता के हित में नहीं बन रही है, ऐसे में अगर सब लोग एकजुट नहीं हुए और ख़ासतौर पर वो लोग एकजुट नहीं हुए जो लोग इस विकास की दौड़ में पिछड़ गए, तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर भारत को भारत बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जातीय जनगणना को आप जरूरी क्यों मानते हैं? इसलिए जरूरी मानते हैं ताकि पूरे देश को पता लगे कि देश जो देश विविधताओं का देश है उसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें जब देश तरक्की करता तो तरक्की का हिस्सा सबके हिस्से में आना चाहिए, लेकिन सच्चाई है सबके हिस्से में नहीं आ रहा है। और एक बार अगर जातिगत जनगणना का सामने आ जाए और सरकारों को पता लगे किस किस का कितनी जनसंख्या है तो शायद सरकार योजना बनाते वक्त ये ध्यान रखेगी कि कौन कौन से लोग कितने ज़्यादा पिछड़ गए, किसके लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न बनाने की जरूरत है ताकि सबको समान रूप से आगे लेके बढ़ा जा सके। आप अनुसूचित जाति में जो है 36 जातियाँ थी 1947 के करीब जब देश आज़ाद हुआ, तो अब जो है उसमें 92 जातियाँ हो गई हैं लेकिन उसके रिजर्वेशन में तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देखिए, इस मुद्दे पे तो लड़ना पड़ेगा। यही तो जो आज यही तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि अगर जनसंख्या का सही से ही आकलन अगर सबके सामने देश के सामने आ जाए तो फिर जो भी सरकार चुन के आएगी वो मजबूर होगी ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए जो सबको समान रूप से आगे बढ़ाया जा सके। अभी तो यह है कि चूंकि उसको सच को सामने नहीं आने दिया जा रहा है तो फिर सरकार एक तरफा एक सोच के तहत काम कर रही है, एक सोच है जो देश पे काबिज है, तो उस सोच को जब तक ये एहसास ना कराओ कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ये पॉपुलेशन है और इन सबको आपको लेके आगे बढ़ना है, तो तब तक वो उनके सबको नज़र में रखते हुए पॉलिसी बनाने वाले नहीं है, तब तो कुछ ही लोग सब चीज़ों पर काबिज रहेंगे। ये सरकार जो सर चुनावी तैयारी में ज़्यादा मतलब लग्न दिखाई देती है, ये मतलब सामाजिक, देखिए सरकारें तो देखिए सरकारें किसी की भी हों, पॉलिटिकल पार्टीज तो सत्ता पे कैसे काबिज रहें, उनका शासन कैसे उनके हाथ में ही बना रहे, वो सिर्फ उसमें ही ज़्यादा सोचेंगी। ये तो जनता को ज़्यादा सोचना है कि ऐसे लोगों को ताकत दें जो लोग सबको साथ लेके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हों और उनका असली मकसद हो पूरे देश को लेके आगे बढ़ने का।